हरियाणा के फतेहाबाद में कोरोना संक्रमण का पहला पॉजिटिव केस सामने आया है। फतेहाबाद के गांव जांडवाला बागड़ में एक व्यक्ति की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद पूरे गांव को सील कर दिया गया। संक्रमित व्यक्ति की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है और कुछ जमाती पीड़ित व्यक्ति के घर पर रुके थे, जिसके बाद गाँव निवासी 26 वर्षीय व्यक्ति को कोरोना से संक्रमित हो गया। फिलहाल पुलिस ने गाँव के चारों तरफ सभी 6 रास्तों पर नाकेबंदी कर दी है और पूरे गाँव को सील कर दिया गया। डीएसपी सुभाष चंद्र ने जानकारी देते हुए बताया कि जांडवाला बागड़ गांव में एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद एहतियातन तौर पर सभी जरूरी कदम उठाए गए हैं। डीएसपी ने बताया कि पूरे गांव को सील कर दिया गया है और पुलिस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। कौन से गांव में कोरोना पॉजिटिव का मामला सामने आया सर? ये हमारे जो है थाना बटू कला के अंडर आता है गाँव जांडवाला बागड़ है, वहाँ का एक पॉजिटिव है आया है। और जो है ना हमने वहाँ गांव में 6 नाके लगा के और गांव को स्वास्थ्य विभाग के तालमेल से कंटेनमेंट जोन जो है डिक्लेयर कर दिया। तो जो जिस व्यक्ति को पुष्टि हुई है सर, वो व्यक्ति किन के संपर्क में आया था और कितने लोग बताए जा रहे हैं? वो ऐसे बताते हैं कि जो दिल्ली से जमात वाले जो है ना आए थे और उन्होंने जो है ना उनके संपर्क में आया था और उसी वजह से। तो कोई गांव का अन्य व्यक्ति भी उनके उसके संपर्क में आया सर, जिस व्यक्ति को पुष्टि हुई है? अब जो है ना उनके घर वाले है, जो इसके घर वाले है, उनको सभी को क्वारंटाइन किया गया है और इसको आइसोलेटेड कर दिया गया और कल जो है ना स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है गाँव में स्क्रीनिंग। तो सर बताया जा रहा है जो जमाती इसके संपर्क में आए थे वो पहले फतेहाबाद भी आए थे और प्रशासन द्वारा उसको चेतावनी देकर इनसे फतेहाबाद छोड़ने की बात कही गई थी। ये बात अभी तक जो है मेरे नोटिस में नहीं है और इसकी भी मुझे जांच। फिलहाल जो गांव में क्या स्थिति है? गांव में स्थिति पीसफुल है और गांव को जो है ना हमने 6 रस्तों पर जो है ना नाकाबंदी करके गांव को सील किया है और जो है ना हिदायत की है भी कोई भी आदमी जो है घर से बाहर ना निकले और किसी प्रकार की अफवाह ना फैलाए। अगर कोई आदमी अफवाह फैलाता है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन। एक लॉकडाउन के दौरान सर पुलिस को किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा, कई ऐसी तरह के? हाँ, पब्लिक जो है ना वैसे जो है ना सहयोग मिल रहा है पूरे जिले से हमारे को, पब्लिक हमारी अपील को मान रही है और पब्लिक खुद भी जो है ना आगे आ रही है लॉकडाउन का सफल। अगर कोई अफवाह फैलाता है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई? अगर कोई अफवाह फैलाता है तो उसके खिलाफ जो है ना कानूनी कार्रवाई की जाती है।